लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान जारी है। इस बार 162 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 13,637 मतदाता केंद्रों पर 1.52 करोड़ लोग करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान राजीव वाड्रा और बेटी मियारा वाड्रा ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी मतदान किया। रेहान वाड्रा और बेटी मीराया वाड्रा ने लोधी एस्टेट स्थित अटल आदर्श स्कूल पहुंचे। मीराया पहली बार की वोटर हैं। पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी और बेटे ने मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दी। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन। आई एनकरेज ऑल द यूथ टू वोट टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू वोट इन अ वे दैट ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव चेंज। आई थिंक एवरीबॉडी शुड जस्ट कम आउट एंड वोट एंड डोंट सिट आइडल, मेक अ चेंज। उधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे। उन्होंने वोट डालने के बाद मतदान केंद्र से निकलते समय एक सेल्फी ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। प्रियंका से जब पूछा गया कि राहुल गांधी ने आपको वोट दिया और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को वोट दिया, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी शिकायतों को एक तरफ रख रहे हैं, अपने संविधान और लोकतंत्र के लिए वोट डाल रहे हैं, मुझे इस बात पर गर्व है। बेरोजगारी और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे, सबसे बड़े मुद्दे सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहन तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं, और मुझे इस बात पर गर्व है।